हेलो गाइस, अगर आप लोगों ने पार्ट वन नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन पे जाइए, लिंक दिया हुआ है और देख लीजिए। छोड़ना चाहते हो? सही वजह बता दो, हम खुद ब खुद चले जाएंगे तुम्हारे जिंदगी से। बिकॉज आई डोंट लव यू। कुछ बोलना है आपको तो बोल दीजिए, ऐसे चुपचाप रहने का कोई फायदा नहीं। बोलना नहीं, पूछना है। दारू पीने से, अकेले रहने से क्या तू उसे बुला सकता है? कोशिश तो करनी चाहिए ना बाबा। खुद को बर्बाद करके उसे भुलाने की कोशिश से बेहतर यही है कि उसे याद करके कुछ कर दिखाने की कोशिश करना। ये जिंदगी तुम्हारी है, इसे कैसे जियोगे तुम्हें डिसाइड करोगे। हम बस दुआ करेंगे हमारा लाडला बेटा कहीं खो न जाए। आज तुम्हारे वीक प्रेजेंटेशन के कारण काफी लॉस होते होते बचा है। सॉरी सर। अपना सॉरी अपने पास रखो और दोबारा अपनी ये शक्ल मत दिखाना। यू आर फायर्ड। रोना नहीं, रोने से कोई फायदा नहीं होगा। पहली गलती थी यार, वार्निंग भी दे सकता था, सीधा नौकरी से निकाल दिया। एक नंबर का खुरूस है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। यार अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। सुन, मुझे जाना होगा। क्या बात है, कैसे मिलने? सिर्फ बाबा के कहने पर जा रहा हूँ, वो भी सिर्फ मिलने। कोई शादी वादी नहीं करनी है मुझे। हाँ हाँ समझ गया, फिर भी मैं तेरे लिए खुश हूँ। चल बेस्ट ऑफ लक। इसे भी यही जगह मिली है मीट करने के लिए। Because I don't love you. ये खरोंच यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अबे यार, ये यहाँ पे क्या कर रही है? क्या जिससे तू मिलने गई थी शादी के लिए वो हमारा बॉस है? हाँ, और आगे क्या हुआ? तो तुम ही टिया हो? हाँ, बदकिस्मती से। तुम्हें मेरे बारे में पता था ना? आपको लगता है अगर मुझे पता होता कि आप ही आप हो तो मैं आपसे मिलने आती? बकवास करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं। अगर मुझे पता होता तुमसे मिलना है तो मैं आता ही नहीं। ओ हेलो, मैं तड़प नहीं रही थी तुमसे मिलने के लिए, वो तो अंकिल ने कहा इसलिए आना पड़ा। मैं भी डैड के कहने पर आया हूँ। तो मुलाकात हो चुकी है, अब हम निकलते हैं। हाँ हाँ जाओ, हमने रोक के थोड़ी रखा है। मेरी फटी किस्मत, पप्पा ने भी लड़की देखी तो वो कौन निकली? वो चुड़ैल। वो बुरी लड़की नहीं है, पता क्या है मैंने, इवन उसके घर पे कमाने लायक वही अकेली शख्स है। मतलब
5 साल पहले एक एक्सीडेंट में उसने अपने पिताजी को खो दिया। तब से मम्मी और अपने छोटे भाई को वही संभाल रही है। काफी मेहनती लड़की है, ऐसा काफी कम दिखने को मिलता है। अगर ऐसी बात है तो एक काम कर, उसे वापस नौकरी पर रख ले। क्यों, अच्छी लगी वो? नहीं, पर उसके कहानी ने दिल छू लिया। अब कहानी अच्छी लगी है, कुछ दिन बाद वो भी अच्छी लगेगी। काश ऐसा हो पाता, पर मुझे पता है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तू अभी भी अपने पास्ट के साथ जी रहा है। मूव ऑन कर, वो अपनी जिंदगी जी रही है, तू अपना जिंदगी जीना शुरू कर दे। कोशिश जारी है, देखते आगे क्या होता है। वैसे तूने ये तो बताया था कि उससे ब्रेकअप कैसे हुआ था, पर तूने ये नहीं बताया उससे मिला कैसे था। हाय। हेलो। माना कि हमने 3 महीने से FB, इंस्टा, व्हाट्सएप पर बात की है, पर मैं थोड़ा नर्वस हूँ। ओ, मैं भी नर्वस हूँ। वैसे एक बात पूछूं? हाँ कहो। आप फोटो में जितनी खूबसूरत दिखती हो, रियल में उससे ज़्यादा खूबसूरत हो। अच्छा जी, हम तो डर गए थे, हमें लगा कहीं हम भूतनी तो नहीं लग रहे। अरे नहीं, आप सच में खूबसूरत हो। आप भी अच्छे दिख रहे हो। वैसे तो लोग हमेशा उल्टा ही कहते हैं, पर आप कहते हो तो मान लेता हूँ। अच्छा, हम जो भी कहेंगे आप मान लोगे? हाँ बिल्कुल। तो फिर एक बात कहूँ? हाँ बोलिए। वैसे आप जो पहन के आए हो वो आप पे उतना सूट नहीं कर रहा है। आज एडजस्ट कर लीजिए, अगली बार से आपसे पूछ के पहनेंगे। क्या हम एक दूसरे को आपकी जगह तुम बोल सकते हैं? हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आप हमें तुम बुलाएंगे। मुझे भी कोई दिक्कत नहीं अगर तुम मुझे तुम बुलाओगे। ठीक है, जैसा तुम कहो। अब आगे क्या करेगा, कुछ सोचा है? सीधा शादी रचाएंगे, वो भी उस चुड़ैल टिया से। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए। शुक्रिया।